हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं वेज चीज मेयोनीज सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा कप ग्रेट किया हुआ गाजर, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच मकई के दाने, एक छोटा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मेयोनीज। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इसे आप हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं वो प्रॉपरली मेयोनीज में मिक्स कर लीजिएगा। ये मिक्स हो चुका है यहाँ पे। इसमें हम अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो, दोनों भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक ऐड कीजिएगा स्वाद के अनुसार, मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। ये मिक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसीजर की ओर। तो सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 4 ब्रेड के स्लाइसेस। इन पे हम जो है 1 by 1 बटर अप्लाई कर लेंगे। ये सारे स्लाइसेस पर मैंने बटर अप्लाई कर लिया है। ये जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है वो अब हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर जो है हमें ये जो मिक्सचर है वो रखना है। तो देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ उस तरह रखिएगा। तो जो भी मैंने मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स आपको बताया है उसमें आप कम से कम 3 से 4 सैंडविच बना सकते हैं। ये चीज़ के स्लाइसेस हम रख देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ब्रेड रख देंगे हम उसके ऊपर। गैस को ऑन कर लेंगे। ये ग्रिल पैन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। बटर ऐड कर लेंगे। बटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। सैंडविचेस रख देंगे हम 1 by 1। धीमी आंच पे इसे पकाइएगा ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आए सैंडविच का। बटर अप्लाई कर लेंगे हम इसके ऊपर ऊपरी तरफ से। पलट लेंगे इसे। इसे दूसरी तरफ से धीमी आंच पे पकने दीजिए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है दोनों तरफ से।
ये सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। ट्रायंगल शेप में इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंडविच जो है कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज कर रही हूँ। यहाँ पर जो है हमारा वेज चीज मेयोनीज सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।